नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में लगातार भारी बारिश से जिंदगी पर मुसीबत बनाई है। लोग अब त्राही त्राही करने लगे हैं। विदर्भ में भी नदी नाले उफान पर है। बात राजनीति की करें तो कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने मुंबई नगर निगम के बांध ढांचे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजा है। इसे अनोखा मनोमिलन कहा जा रहा है। वहीं एक और हैरत भरी खबर है कि भाजपा मनसे प्रमुख के बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की पेशकश करने वाली है। तो उधर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करने के बाद भी शिवसेना के बुरे दिन खत्म नहीं हुए हैं। जानकारी के अनुसार प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना को मुर्मू से मिलने के लिए बुलाया नहीं गया। इसी बीच महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा डीजल के दाम में भी 3 रुपए लीटर की कमी होगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को मुंबई में अपनी सरकार के इस फैसले का ऐलान किया। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में लगातार भारी बारिश से जिंदगी पर मुसीबत बनाई है। नासिक जिले में पिछले 24 घंटे में कम 6 लोग पानी में बह गए। डिंडोरी तालुका में 6 साल की बच्ची परिजन के साथ आलंदी नदी पार कर रही थी, तभी वह पानी में बह गई। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पेथ तालुका के मौजी पलशी खुर्द गाँव में एक व्यक्ति गोदावरी नदी में बह गया। इससे पहले मंगलवार को सुरगना तालुका में नारा नदी को पार करते वक्त एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव के कारण नदी में बह गया। एक अन्य घटना में छोटा पुल पार करते समय 2 लोग बह गए। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विदर्भ के लगभग सभी जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बंदों के गेट खुलने से नदी नालों में बाढ़ आ गई है। विदर्भ और मराठवाड़ा का संपर्क टूट गया है। विदर्भ और मराठवाड़ा की सीमा से बहने वाली यवतमाल जिले की उमरखेड़ तहसील की पैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे ढांकी से गाजेगांव पुलिया पर 15 फीट तक पानी है। अमरावती में लगातार बारिश के कारण सभी प्रकल्प लबालब है। कुछ लोगों के नाले में बहने की जानकारी मिली है। वहीं गाज गिरने से एक किसान की मौत जबकि 15 घायल है। हजारों हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बह गई। चंद्रपुर शहर समीप झुरई डैम के सभी 7 दरवाजे खोल गए हैं। तो राजूरा तहसील के चिंसोली नाले के पुलिया पर एक ट्रैवल्स बस बाढ़ में फंस गई थी। सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सैकड़ों घरों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने मुंबई नगर निगम के वार्ड ढांचे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि शिवसेना द्वारा किया गया वार्ड निर्माण अनधिकृत या अवैध है। एक रिपोर्ट के अनुसार मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मुंबई नगर निगम भारत का सबसे अमीर निगम है। मुंबई नगर निगम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुए हैं। केवल एक पार्टी के लाभ के लिए मुंबई के वार्ड ढांचे को बदलना अनैतिक और असंवैधानिक है। इसीलिए मैंने एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। मिलिंद देवड़ा ने लोगों से एकजुट होकर नया वार्ड बनाने की अपील की है। इस पत्र में उन्होंने शिवसेना की आलोचना भी की है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई नगर निगम में वार्ड ढांचे को देखते हुए कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वार्ड के ढांचे को रद्द करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास के मोर्चे में होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों किया। कांग्रेस पार्टी उनसे इस बारे में पूछेगी। उनकी आलोचना पर ध्यान देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भी तुरंत ट्विटर पर इसका जवाब दिया और आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में निर्णय लेंगे। इसीलिए चर्चा तेज है कि तो क्या अब मुंबई नगर निगम चुनाव में शिवसेना के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस साथ आ सकती है। खबर है कि भाजपा मनसे प्रमुख के बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की पेशकश करने वाली है। मौजूदा हालात में अमित ठाकरे न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के, बावजूद इसके बीजेपी उन्हें मंत्री बनाने की पेशकश कर रही है। इसीलिए चर्चा खास है। इस फैसले से ये बात स्पष्ट होती है कि भाजपा महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के प्रभाव को पूरी तरह कम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। उद्धव ठाकरे को चोट पहुंचाने के लिए बीजेपी के इस कदम के शिवसेना को एक और झटका देने के रूप में देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे खुद 40 विधायकों की बगावत से परेशान हैं और पार्टी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। बीते कुछ सालों में उन्होंने आदित्य ठाकरे को एक युवा नेता के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की है और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी किया है। इसी तर्ज पर अब आदित्य के प्रतिद्वंद्वी के रूप में अमित ठाकरे को भी बीजेपी राज्य की सियासत में तैयार करना चाहती है, ताकि शिवसेना के प्रभाव और कद को कम किया जा सके। राज ठाकरे का परिवार इसका बड़ा आधार बन सकता है।
हालांकि इस बारे में मनसे नेताओं का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। दावा ये भी किया जा रहा है कि राज ठाकरे ने खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने इस पर गंभीरता से विचार करने का मूड बना लिया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करने के बाद भी शिवसेना के बुरे दिन खत्म नहीं हुए हैं। खबर है कि प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना को मुर्मू से मिलने के लिए बुलाया नहीं गया। एनडीए उम्मीदवार आज गुरुवार को मुंबई पहुंच रही है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भारती पवार समेत अन्य नेता होंगे। वो एयरपोर्ट के पास होटल में उनका समर्थन कर रहे सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि करीब 250 सांसद और विधायकों के मुर्मू से मिलने की संभावना है। भाजपा ने अपने सभी 106 विधायकों से आज सुबह तक मुंबई पहुंचने के लिए कहा था। साथ ही शिवसेना के 40 विधायकों समेत शिंदे कैंप के 50 विधायकों को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया, मगर ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ठाकरे कैंप में शामिल शिवसेना सांसद विनायक राउत ने बताया कि हमें अभी तक भाजपा या किसी से भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात को लेकर कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि शिवसेना गुरुवार को होने वाली बैठक में शामिल हो। चूंकि वह आदिवासी महिला है, इसलिए अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उनका समर्थन करने का फैसला किया है और कुछ नहीं। खास बात है कि 19 में से 12 सांसदों की अपील के बाद ठाकरे ने मुर्मू के समर्थन की घोषणा की। मुर्मू के सामने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा डीजल के दाम में भी 3 रुपए लीटर की कमी होगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को मुंबई में अपनी सरकार के इस फैसले का ऐलान किया। सीएम बनने के तुरंत बाद ही एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती का ऐलान किया था, जिस पर अब अमल किया गया है। आज कैबिनेट की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मीडिया से बातचीत में फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 6000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला इसीलिए लिया है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। शिंदे ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ऐसे फैसले लेगी जिससे भविष्य में लोगों को राहत मिले। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज की बैठक में सरकार ने जनहित में कुछ फैसले लिए हैं। हम समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय करते रहेंगे। हमने कैबिनेट की पहली बैठक में इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि आज हमने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2021 और 22 मई 2022 को 2 बार ईंधन पर टैक्स घटाया था। दोनों बार केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकार को भी टैक्स कम करना चाहिए, लेकिन तत्काल उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जीवित रहना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। तो अजमेर शरीफ दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। वहीं बिहार पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर देश विरोधी साजिश का भंडाफोड़ किया है। वहां बरामद दस्तावेज 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़े हुए हैं। तो उधर बिहार के कटिहार जिले में एक 26 वर्षीय शख्स ने 45 वर्षीय महिला से दरिंदगी की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और दोनों आंखें फोड़ दी। इसी बीच लोकसभा सचिवालय ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुछ शब्दों और मुहावरों की लिस्ट जारी की है। इनका प्रयोग संसद में गलत और असंसदीय माना जाएगा। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश में पिछले कुछ समय से जनसंख्या विस्फोट को लेकर हो रही प्रतिक्रियाओं के बीच इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जीवित रहना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, ये जंगल का कानून है, लेकिन दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्य की निशानी है। इसके अलावा मोहन भागवत ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। कर्नाटक स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। धर्म परिवर्तन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वाहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। भागवत ने कहा कि अध्यात्म के जरिए ही श्रेष्ठता हासिल की जा सकती है, क्योंकि विज्ञान अभी तक सृष्टि के स्रोत को नहीं समझ पाया है। विज्ञान ने अपने खंडित दृष्टिकोण से सब कुछ आजमाया और ये भी पाया कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है।
हालांकि ये अभी तक कनेक्टिव फैक्टर की खोज नहीं कर पाया। सभी से प्रेम करो, सबकी सेवा करो की कहावत के पीछे सब कुछ दर्शन एक है। दरअसल अस्तित्व वो है जो विविध रूपों में प्रकट होता है। अजमेर शरीफ दरगाह के अजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। आदिल चिश्ती का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भगवान विष्णु, हनुमान और गणेश जी के अस्तित्व पर सवाल उठाता दिख रहा है, तो ये कहकर उपहास करता है कि 333 करोड़ देवी देवता का होलसेल, हजार साल की जिंदगी में भी इंसान 333 करोड़ खुदाओं को खुश नहीं कर सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद अब आदिल ने कहा है कि उसने 23 जून को ही ये वीडियो नुपुर शर्मा को जवाब देते हुए बनाया था। अजमेर शरीफ के खादिम आदिल ने वीडियो को गलत तरीके से पेश करने का आरोप मीडिया पर लगाते हुए कहा है कि यदि उसकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूँ। आदिल ने कहा कि उसने नुपुर शर्मा को इसीलिए ये जवाब दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुरान में उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र है। आदिल ने कहा कि मैंने कहा था कि जादू धर्म का हिस्सा है। दुनिया के कई धर्मों में ऐसी बातें हैं जो लॉजिकल नहीं है, लेकिन हम धर्म की वजह से मानते हैं। आदिल चिश्ती का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। विश्व हिंदू परिषद ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि गहलोत सरकार तुरंत उसे गिरफ्तार करे। यदि राजस्थान सरकार वास्तव में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो अजमेर शरीफ के इन सभी चिश्ती पर एक्शन लिया जाए और आदिल को उसके पिता के साथ जेल में डाला जाए। बिहार पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर देश विरोधी साजिश का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नया टोला में चलाए जा रहे एक कार्यालय में छापेमारी कर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यहां से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। पुलिस को तलाशी के दौरान पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के मिशन 2047 का भी भंडाफोड़ हुआ है। फुलवारी शरीफ के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर की गई छापेमारी के बाद कई दस्तावेज, झंडा, पैम्पलेट, बुकलेट बरामद हुए हैं जो मिशन से जुड़ा है। ये दस्तावेज 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़े हुए हैं। मिशन इस्लाम 2047 का मुख्य मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मिशन को सफल बनाने के लिए कई स्तर की प्लानिंग की गई है। पटना पुलिस ने बातचीत में बताया कि मिशन इस्लाम 2047 में काफी लोगों के जुड़े होने की संभावना है। उनका कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार लोगों की पहचान झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के रूप में की गई है। यही बात पटना पुलिस को ज्यादा अलर्ट मोड में आने को मजबूर कर रही है। विभाग के आला अफसरों का कहना है कि पुलिस सेवा में रहने के बाद भी अगर कोई मिशन इस्लाम 2047 जैसे कार्य कर रहे संगठन से जुड़ा हो तो ये चिंता का विषय है। पटना पुलिस का कहना है कि ऐसे संगठन से पुलिस महकमे के लोगों की संलिप्तता खतरे की घंटी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके उन पर अत्याचार के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही सन्न कर देने वाला मामला कटिहार जिले में सामने आया है, जहां 26 वर्षीय शख्स ने 45 वर्षीय महिला से दरिंदगी की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और दोनों आंखें फोड़ दी। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सनसनीखेज कांड कटिहार के एक गाँव है, जहाँ पीड़ित महिला मंगलवार देर रात अपनी 9 साल की बेटी के साथ सो रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी मोहम्मद शमीम उनके घर के बाहर काफी हंगामा कर रहा था। महिला तुरंत उससे वजह जानने के लिए घर के बाहर गई, तभी आरोपी शख्स पीड़िता को खींचकर अपने साथ पास के खेत में ले गया और हैवानियत की। पुलिस ने बताया कि जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने जब मदद की गुहार के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी शमीम ने उसके हाथ पैर बांध दिए। वही महिला का शोर सुनकर ग्रामीण जुट ना जाए इसीलिए आरोपी मौके से फरार हो गया। इसी बीच गांव के लोग महिला को इलाके के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर अवस्था को देखकर तुरंत ही कटिहार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुछ शब्दों और मुहावरों की लिस्ट जारी की है। इनका प्रयोग संसद में गलत और असंसदीय माना जाएगा। संसद में बहस के दौरान अगर सांसद जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, शर्मिंदा, रक्तपात, खूनी, दुर्व्यवहार, धोखा, चमचा, चमचागिरी, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, मगरमच्छ के आंसू,
अपमान, गधा, गुंडागर्दी, पाखंड, अक्षम, झूठ, असत्य, गदर, गिरगिट, गुंडे, अहंकार, काला दिन, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, खरीद फरोख्त बेचारा, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संवेदनहीन, मूर्ख, बहरी सरकार, यौन उत्पीड़न, चिलम लेना, कोयला चोर, ढिंडोरा पीटना, अराजकतावादी, शकुनी, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, बॉब कट, खून से खेती, निकम्मा, नौटंकी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन्हें असंसदीय माना जाएगा। नई बुकलेट के अनुसार अगर इन शब्दों को किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाएगा तो इसे असंसदीय नहीं माना जाएगा। वहीं अध्यक्ष पर आरोप को लेकर भी कई वाक्यों को असंसदीय श्रेणी में रखा गया है। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि ये सरकार की आलोचना करने की उनकी क्षमता को बाधित करेगा। तृणमूल के डेरेक ओब्रायन ने लोकसभा सचिवालय के इस फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करना जारी रखूंगा, मुझे निलंबित कर दीजिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा। खास हैरत भरी खबर, एक अमीबा ने दुनिया भर के डॉक्टरों की टेंशन बढ़ा दी है, जो इंसान के शरीर में घुसकर उनका दिमाग खा रहा है। तो हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ब्रिटिश यूनिट ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंड प्रांत में 2010 से 2011 के बीच गैर कानूनी तरीके से 54 लोगों की हत्या की है। वहीं पाकिस्तान में राजनीतिक घमासान के बीच पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इच्छा जाहिर की है कि वो अपने जीवन काल में एक बार बेटे बिलावल भुट्टो को पीएम देखना चाहते हैं। तो उधर कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के सब वेरियंट सेंटोरस के कारण चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच कनाडा के एक हिंदू मंदिर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को विकृत करने का मामला सामने आया है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक अमीबा ने डॉक्टरों की टेंशन बढ़ा दी है, जो इंसान के शरीर में घुसकर उनका दिमाग खा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के आयोव में एक शख्स स्विमिंग कर रहा था। वहां पर उसकी तबीयत ठीक थी, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने शुरू में जांच की तो कुछ भी नहीं मिला, साथ ही उसकी कोई खास मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी। बाद में पता चला कि वो ब्रेन ईटिंग अमीबा का शिकार हुआ है। ये बहुत ही दुर्लभ अमीबा है, लेकिन इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये उस शख्स के शरीर में घुसा और दिमाग की सेल्स को खाने लगा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। अगर वक्त पर उसे इलाज न मिलता तो उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर्स ने जब इसके आंकड़ों पर नजर डाली तो पता चला कि इसके शिकार 97% लोगों की मौत हो चुकी है। 1962 से लेकर 2021 तक 154 केस इस अमीबा के मिले हैं, जिसमें सिर्फ 4 की जान बचाई गई है। ऐसे में सावधानी ही इसका एकमात्र बचाव है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि ज्यादा जानलेवा बैक्टीरिया या अमीबा गंदे पानी में मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा साफ पानी में रहता है। ये आमतौर पर झीलों या फिर झरनों के पास होते हैं। जब भी इंसान वहाँ पर नहाने जाते हैं तो ये नाक के जरिए उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। एक बार जब ये अमीबा किसी के शरीर में घुस गया तो इसका काम आसान हो जाता है। ये सीधे दिमाग की कोशिकाओं के खाना शुरू कर देते हैं, जिससे बुखार, उल्टी, सिर दर्द की शिकायत होती है। अगर वक्त पर इलाज नहीं मिला तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। अफगानिस्तान में ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस यूनिट के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों के बारे में बड़े खुलासे किए हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आरोप निराधार निष्कर्षों पर आधारित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस यूनिट ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में 2010 से 2011 के बीच गैर कानूनी तरीके से 54 लोगों की हत्या की। रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया कि ब्रिटिश विशेष बल के पूर्व प्रमुख सर मार्क कार्लटन स्मिथ को इस युद्ध अपराध के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जांच के दौरान हत्या के सबूत नहीं दिए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट आरोपों से अनुचित निष्कर्ष निकालती है, जिसकी पहले ही पूरी तरह से जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में SAS के आचरण की 2 स्वतंत्र जांच करवाई गई और मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए। गैर जिम्मेदार और गलत रिपोर्ट ने हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों को जमीन पर और विश्वसनीयता के मामले में खतरे में डाल दिया है। रक्षा मंत्रालय निश्चित रूप से किसी भी नए सबूत पर विचार करने के लिए तैयार है और इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। बता दें कि 9/11 हमले के बाद ब्रिटिश सेना की तैनाती अफगानिस्तान में नाटो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के तहत हुई थी। 2006 से हजारों ब्रिटिश सैनिकों के हेलमंड में पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें जल्द ही सैन्य अभियानों में शामिल कर लिया गया। रिपोर्टों में कहा गया, यूनिट ने तालिबान कमांडरों को पकड़ने और बम बनाने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए मारने या बंधक बनाने वाले अभियान चलाए।
पाकिस्तान में राजनीतिक घमासान के बीच पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इच्छा जाहिर की है कि वो अपने जीवन काल में एक बार बेटे बिलावल भट्टे को पीएम देखना चाहते हैं। जरदारी ने कहा कि जब विदेश मंत्री के रूप में बिलावल पाकिस्तान से बाहर गए तो उनके पुराने दोस्तों के फोन आए जो ये कह रहे थे कि वो देश का नाम रोशन करेंगे। जरदारी नवाब शाह के जरदारी हाउस में स्थानीय सरकार के नवनिर्वाचित उम्मीदवारों और पीपीपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब वे राष्ट्रपति थे तो उन्होंने संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से प्रधानमंत्री और प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित की। अब इस्लामाबाद कहता है कि आपने हमें कमजोर कर दिया है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने प्रांतों को मजबूत किया है। जरदारी ने यह भी कहा कि वो पार्टी को संरक्षण देने और इसे मजबूत करने के लिए पंजाब में डेरा डालेंगे। ये जमीन मेरी है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हम सभी को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बता दें कि इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी कैबिनेट में बिलावल भट्टो जरदारी देश के विदेश मंत्री हैं। इसी बीच एक हिंदू लड़की के अपहरण के मामले में हिंदू समुदाय के लोगों ने आसिफ अली जरदारी के घर जरदारी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि जबरन धर्मांतरण के लिए लड़की का अपहरण किया गया है, वही पुलिस इस मामले में लीपापोती करती दिखी। उन्होंने इस मामले को प्रेम प्रसंग बताया। लोगों की मांग थी कि आसिफ अली जरदारी उनकी बेटी को वापस उन्हें दिलाएंगे। चीन में कोरोना वायरस के कारण कुछ हफ्तों पहले लॉकडाउन लगा था। अब कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के सब वेरियंट सेंटोरस के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। शंघाई के लाखों लोग तेज धूप में अनिवार्य कोविड परीक्षण के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। शंघाई में भी सब वेरिएंट के मामले देखने को मिले, जिसके कारण एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी गई है। गत 8 जुलाई को कोरोना के सब वेरिएंट सेंटोरस का एक मामला सामने आया है। इसके बाद शंघाई के अधिकारियों ने शहर के 16 जिलों में से ज्यादातर में दो बार टेस्टिंग के आदेश दिए। सेंटोरस को BA.5.2.1 के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना का BA.5 वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। चीन के अधिकारी इसे एक बड़े खतरे की तरह देख रहे हैं। चीन सख्त लॉकडाउन का पालन करने वाला अंतिम प्रमुख देश है। चीन की राजधानी बीजिंग, उत्तर पूर्वी बंदरगाह वाला शहर डालियान और केंद्रीय शहर शियान में कोरोना के सब वेरिएंट के मामले की सूचना मिली है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। इस कारण अनिवार्य कोरोना टेस्टिंग लोगों के लिए कष्टकारी हो गई है। इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग करने वाले भी परेशान हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें लगातार पीपीई किट पहने रहना पड़ता है। बावजूद इसके महामारी को देखते हुए लोग जांच के कतारों में लग रहे हैं। प्रशासन भी कोई छूट नहीं दे रहा, लगातार लापरवाही न बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के सब वेरियंट सेंटोरस एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति लाने के करीब है। कनाडा के एक हिंदू मंदिर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को विकृत करने का मामला सामने आया है। कनाडा के ओंटारियो शहर के रिचमंड हिल सिटी में बने मंदिर में ये तोड़फोड़ की घटना हुई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच हेट क्राइम के तहत की जा रही है। जिस मूर्ति को खराब किया गया है वो योंगे स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू में बने विष्णु मंदिर में लगी है। यॉर्क रीजनल पुलिस की तरफ से इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ये प्रतिमा 5 मीटर ऊंची है और 13 जुलाई को ऑफिसर्स को स्थानीय समयानुसार 12:30 बजे बुलाया गया था। यॉर्क पुलिस की तरफ से बताया गया है कि किसी ने गांधी की मूर्ति पर खालिस्तान जैसे अपशब्द लिखे थे। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से सबसे पहले इस घटना की जानकारी दी गई थी। टोरंटो स्थित भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने इस पर ट्वीट कर नाराजगी जताई है। इस ट्वीट में लिखा है कि रिचमंड हिल के विष्णु मंदिर में लगी गांधी की प्रतिमा को इस तरह से खराब करने पर हम खासे नाराज हैं। यह आपराधिक और नफरत से भरा कृत्य बहुत तकलीफ देने वाला है और इसने कनाडा में बसे भारतीय समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। हम लगातार कनेडियन अथॉरिटीज के संपर्क में हैं ताकि इस हेट क्राइम की जाँच की जा सके। ओटावा में भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि भारत इस हेट क्राइम पर काफी नाराज है क्योंकि इसने भारतीय समुदाय को डराने का काम किया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।